ना, बोलो ना, गुड मॉर्निंग बोलो। मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहाँ जा रहे हो? पीटीएम जा रहे हैं। आज कौन सा डे है? और सैटरडे है आज, और हम लोग पीटीएम में जा रहे हैं, है ना? जो कि हम लोग को एंड टाइम में 8:30 बजे से था, और 8:30 बजे ही पता चला कि पीटीएम है, 8:30 से 11:30। तो हम लोग जल्दी रेडी हुए हैं ब्रेकफास्ट करके, और अभी बज गए हैं 10:15। 11:30 तक ही टाइम है बस। अभी हम लोग को जाना भी है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है जाने में स्कूल। ये देखिए जिंजर होटल है, ये हमारे घर से जस्ट बाहर निकलने के बाद ही पड़ता है। टर्न लेफ्ट ऑन टू आदित्य बिरला हॉस्पिटल मार्ग डांगी चौक रोड, देन टर्न राइट। चल रही है साथ साथ बोलती जा रही है और हमको रास्ता बताती जा रही है। और देखिए यहाँ पे ये भूमकर चौक है, यहाँ पर हमेशा थोड़ा ट्रैफिक पड़ता ही है, हमेशा बिजी रहता है। और रोड का हाल देखिए कैसा है, पूरा अभी ऐसी हाल बेहाल हो गया है, इतनी बारिश हो रही है कि बहुत ज्यादा रास्तों का हाल देखो कैसा, गड्ढा गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है, पूरा पानी भर चुका है हर जगह, ऐसा ही है। हमारी सोसाइटी से निकलने के बाद भूमकर चौक तक पूरा यही हाल है। इन 150 meters sharp right onto Aditya Birla Hospital Mark, Dangi Chowk Road. अभी हम लोग आ गए हैं, देखिए स्कूल जा रहे हैं, सब पेरेंट्स आते जा रहे हैं धीरे धीरे। पूरे स्कूल का शुरू हो गया है सबका वहां जाना। अभी हम लोग सब वापस जा रहे हैं इसके पीटीएम से, और फेस दिखा भी शीत अपना, टीचर से डांट पड़ी है आज। ये हिंजेवाड़ी बोल रहे, सॉरी ब्लू रिज सोसाइटी का पूरा मार्केट है। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक भी है, मतलब बैंक्स भी है यहाँ पर, और काफी कुछ है यहाँ पर, एक्सिस बैंक, मैकडॉनल्ड्स भी है आगे, दो डोमिनोज है यहाँ, मैकडॉनल्ड्स है। मतलब अगर आप ब्लू रिज में रहते हैं तो आपको बाहर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से आए थे, फ्रेंड्स जो हर घर तिरंगा अभियान जो अभी चल रहा है उसके लिए सबने अपने घर पे तिरंगा लगाया है, तो ये देखिए हमने भी अपने बालकनी में लगाया है तिरंगा, और भी बहुत घरों पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपको दिखेगा तो दिखाती हूँ। ये देखिए उधर उधर, वो देखिए उधर, ऐसे सबने अपनी बालकनियों में लगाया है तिरंगा। और ये देखिए ये स्कूल से आने के बाद कैसे सो गया, इसको पढ़ने के लिए बोली तो मैं ऐसे सो गया, ये वो पढ़ते ही नींद आती है पता नहीं क्यों, सॉरी। और ये सैटरडे के दिन भी अपनी ट्रेनिंग करते हुए, ऑफिस का कुछ ना कुछ काम करते हुए ऐसे ही रूम छोड़ के गई थी, सारा चादर वादर भी फोल्ड नहीं हुआ मेरा, वो भी करना है कुछ काम, सारे बच्चों में कपड़े धोने वाला सारा काम, सुबह से उठ के जाना पड़ा था ना हड़बड़ी में इसलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं ईशित को छोड़ के उसकी कोचिंग क्लास, अब हम लोग थोड़ा डीमार्ट में काम है, थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेंगे, क्योंकि 3 घंटा उसका कोचिंग रहता है, तो हम लोगों को अपना काम इसी बीच में कंप्लीट करके वापस उसको लेके जाना पड़ता है 3 बजे तक, फिर हम लोग घर वापस पहुँचते हैं, तो वही फिर जाके फिर खाना खाओ फिर, और फिर
थोड़ा बहुत आराम करते हैं, फिर वही अपना डेली रूटीन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो भी काम है हम लोग को इसी बीच में निपटाना पड़ता है। अभी हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं, थोड़ा सामान लेके आएंगे, वापस उसको लेते हुए घर जाएंगे। कार की बहुत सारी वर्कशॉप है, हम लोग को कार थोड़ी से अंदर से सफाई करवानी थी। हाँ, थोड़ी बारिश कम होगी ना तब करवाएंगे, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बहुत कीचड़ हो जाता है, गाड़ी के अंदर साफ करवाने से कोई मतलब तो है नहीं। अभी तो थोड़ा रुक जाओ ना, अभी बात नहीं करवाएंगे, है ना। फालतू क्यों इतना पैसा देना, 3,000 लगेगा बोल रहे हैं शायद उस पर। और ये है औंध का रोड, हम लोग अभी बानेर जा रहे हैं, बानेर के डीमार्ट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो औंध का जो डीमार्ट है बहुत ही छोटा है, बहुत कंजेस्टेड है। तो हम लोग ऐसा हो रहा था कि मैं सामान ही नहीं ले पा रही थी ढंग से। इस वाले बानेर वाले डीमार्ट में तो ऐसा हो गया था, नहीं औंध वाले डीमार्ट में ऐसा हो गया था कि मैं चलने की भी जगह नहीं थी। और ट्रॉली तो फिर भूल ही जाओगी, ट्रॉली एकदम साइड में लगा के, एक साइड में कहीं रख के ट्रॉली को, फिर दूसरी जगह से सामान ला ला के डालना पड़ रहा था। तो इतना ज्यादा कंजेस्टेड था वो, और मुझे तो बहुत घुटन सी भी लग रही थी वहां पे। तो मैंने बोला कि अब दूसरा देखते हैं डीमार्ट, वहां से जाके सामान ले लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान, पहले आधा सामान खत्म होता है फिर दूसरा आधा सामान खत्म होता है, तो इस वजह से बार बार जाना पड़ता है डीमार्ट। मौसम कितना अच्छा बन गया है, थोड़ा बारिश हो रही, फिर अभी बीच में थोड़ी सी धूप थी जब हम घर से निकले, तो अभी फिर बारिश आने के चांस लग रहे हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश तो हुई थी, है ज्यादा जोरदार बारिश आने के चांस लग रहे हैं। अभी हम लोग को लग रहा है कि इतना टाइम हम लोग कहाँ निकालेंगे, डी मार्ट का काम हो गया है तो हम लोग सोच रहे हैं यहीं आसपास घूम लेते हैं। तो वही जा रहे हैं हम लोग पैदल पैदल, आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। अरे वो हम लोग घर पे नहीं है, सुनो ना, उसको गार्ड के पास छोड़ोगे इंडिपेंडेंस डे के लिए सजा के रखे हैं पूरा, अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आ गए थे थोड़ा सा देखने के लिए, अच्छे अच्छे सामान है अंदर, बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट का। अभी हम लोग आए हैं, लेने के लिए तो मैं बहुत दिन से चिकन के लिए चिकन बोल रहा था, क्योंकि सामान चल रहा था तो चिकन नहीं खाया था उसने बहुत दिन से, फिर हम लोग उसके लिए चिकन KFC का चिकन लेने के लिए आए हैं। इट्स फिंगर लुकिंग गुड। अभी सब जगह ना इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन चल रहा है, तैयारी चल रही है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अगले बार ट्यूटोरियल शिफ्ट को लेने के लिए। अच्छा वो चली गई अभी ना, जो लोग आ रहे थे तो हम लोग ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, तो हम लोग उधर से देख के चले गए। हम लोग फिर से वापस शिफ्ट को लेने के लिए जा रहे हैं, हो गया हम लोग का, तो भी हम लोग का अभी आधा घंटा और बचा है, अभी देखते हैं वहीं पे जाके बैठे रहेंगे क्या करेंगे गाड़ी में, फिर उसको लेंगे। फिर एक काम है बैटरी वाला, वो कि वाकड़ में है बैटरी, तो बार बार वो ये प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो वाला काम एक बचा हुआ है वो करवा के फिर घर जाएंगे। ऐश चल रही है पीछे बैठ के, जितना तो पढ़ाई करना है कोचिंग में जाके, इसको मैं पी लूं, उतना तो खाना है KFC से लेता हूं मैं।
वैसे बेचारे को पहले बार ही मिला क्योंकि एक महीने बाद वो चिकन खाया था। एक महीने में कुछ नहीं खाया था एग वेग तो हाँ ऐसा ना वीक वीक सा लगने लगा था ना ईश। फ्रूट्स लेने के लिए आए हैं थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं सीताफल हाइब्रिड टाइप लग रहा है हाइब्रिड जैसा लग रहा है क्या देसी तो नहीं लग रहा बताओ क्या सेलिब्रेशन हुआ सेलिब्रेशन नहीं था बाकी वाले एक स्टूडेंट का नाम है अमोघ भागवत तो इनका पुणे में रैंक वन आया था और ऑल इंडिया रैंक थैंक यू। अच्छा तो उसके लिए क्या हुआ उसके लिए हमको चॉकलेट मिला था और अच्छा ये पेपर को तुमको चाटने के लिए बेकार नहीं है लेकिन ईशु उन लोग के लिए बेकार नहीं था तुम्हारे लिए तो नहीं है ना बेकार देखो टोटली C25 तक होता है यानी कि मतलब अभी मैं C2 में हूँ तो C25 में से मैं C2 में हूँ यानी कि मुझे कितना कमा खा रहा लेकिन तुम चैंपियंस ऑफ द चैंपियन में तो नहीं हो ना तो चैंपियन ऑफ चैंपियंस में जाने के लिए तो मतलब कुछ जैसे मेरा एक दोस्त है ना सीयूसी बैंड में तो फिर वो हर्षिल नहीं वो ये कॉन्फ्रेंस स्कूल में तो उसके आए थे 190 हर्षिल का मैं भूल गया पर वो CUC2 में हर्षिल और तो उतना ही मार्क्स लाने हैं बस उससे ज्यादा नहीं लाना अगर मैंने उतना लाया तो फिर मैं सीरियसली निकल जाऊंगा जिसका कोई डिफरेंस नहीं है बस ऐसी फेन पर लगा रहता हूं अब जल्दी पढ़ा देते हैं कॉन्सेप्ट बस पता नहीं इसमें सीओसी और सी में कोई डिफरेंस तो है नहीं वो इनकरेज करने के लिए होता है कि तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम भी इस बैच में जाओ लोगों को लगता है अरे सीओसी चैंपियंस ऑफ द चैंपियन ये बैच मतलब बहुत अच्छा तो उन लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं मतलब अच्छे लोगों का बैच है ना तो अपने आप को कौन नहीं अच्छा कहलाना चाहता ना समझे तो समझाने के बाद देखते हैं क्या असर होता है क्योंकि स्कूल में तो बहुत डांट पड़ी है